आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। जिसे ग्रामीणों ने गांव के विकास और उन्नति के लिए चुना, वही गरीबों का राशन हजम कर ग्रामीणों को दाने दाने के लिए मोहताज कर रहा है। आपको बता दें, मामला सरगुजा जिले के मैनपाट का है, जिसे पूरे प्रदेश में मैनपाट को छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाना जाता है। उसी शिमला के ग्राम अस्करा के शासकीय राशन दुकान का संचालक यहाँ के सरपंच नरेश मिंज के द्वारा किया जाता है। वहीं सरपंच नरेश मिंज को यहाँ के लोगों ने ग्राम पंचायत के विकास और उन्नति के लिए चुना, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो भला कोई क्या कर सकता है। ऐसा ही मामला ग्राम अस्करा में देखने को मिला। यहाँ शासकीय दुकान का संचालन पंचायत के माध्यम से सरपंच द्वारा किया जाता है। ऐसे में सरपंच नरेश मिंज के द्वारा गरीबों को निम्न दर पर आए चावल को तुम्हारा चावल नहीं आया कहकर विगत 4 महीनों से करीब 20 से 25 हितग्राहियों को राशन का वितरण नहीं किया गया। इस मामले में सरपंच नरेश मिंज ने बताया कि वितरण करते समय चावल कम हो गया, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये कि राशन हितग्राहियों के हिसाब से सभी राशन दुकानों तक शासन द्वारा पहुंचाया जाता है, तो राशन कैसे कम पड़ सकता है? इस बात का जवाब सरपंच नरेश मिंज के पास नहीं है। नरेश मिंज कौन सा ग्राम पंचायत? ग्राम अस्करा। कौन सा है आप? सरपंच है? सरपंच हूँ। सेल्समैन का भी काम आप ही करते हैं? कर रहा हूँ। पता चला कि 25 जने का आप 4 महीना से चावल ले दिए हैं। 4 महीने नहीं, 3 महीना का ले लिए हैं, 1 महीना का ले लिए हैं, 3 महीना का बाकी है। 3 महीना का किस लिए आप चावल ले लिए? चावल बांटते बांटते नहीं हुआ। तो बांटते बांटते आप उसी हिसाब से मंगाते हैं कि कम कम मंगाते हैं चावल? चावल हिसाब से आया था। कैसे? पहले एक मिनट, और पहले उस जितना ग्रामीण थे उसी हिसाब से आता था, अब कैसे उस हिसाब से नहीं आ रहा है? चावल 1 माह का आगे पहले दे दिया था लड़का, बांटने के समय गलत हो गया, फिर बोला कि 4 महीना का देना था, पूरा बोरा सहित उठा के ले गए। लगभग नहीं हुआ है, 1 महीना का गड़बड़ होता है, 2 महीना का गड़बड़ होता है, 4 महीना का गड़बड़ हुआ लगभग। चावल आ गया है, चावल देने के लिए हम लोग तैयार है। 25 हितग्राही का आप चावल नहीं दिए? 25 हितग्राही नहीं है, 10 लोग का है, 25 जने का है। वहीं इस मामले में ग्रामीणों का कहना है, ट्रांसफार्मर का डीओ हटा दिया गया और लाइट बंद कर रात के अंधेरे में पिकअप वाहन के माध्यम से गरीबों के हक पर डाका डालते हुए राशन अन्यत्र ले जाकर भेज दिया गया। क्या नाम है तुर? परमजीत है। कौन सा ग्राम पंचायत? अस्करा। ग्राम पंचायत अस्करा। तो चावल मिले तुम्हारा? नहीं मिला है। कितना महीने से नहीं मिले? 4 महीने। 4 महीने से नहीं मिले। यहाँ का संचालक कौन है? संचालक मतलब कुछ चावल वितरण कौन करता है? सरपंच करता है। सरपंच करता है। क्या नाम है सरपंच का? नरेश। नरेश मिंज। तो चावल 4 महीने से लगभग कितना जने लेने मिले से? 20-25 से। 20-25 जन लेने मिले? 10-11 जन तो हमारे बस्ती है, पारे कर आदमी लेने मिले से। अच्छा, तो आ रहा है एक बार चावल? आए रहे तो बोलिस की चावल खत्म हो गया तुम लोग का। हाँ। आएगा फिर चावल देंगे पीछे, है ना? अच्छा। राशन कार्ड को हम लोग का वापस किया है ना? हाँ। तो तुम्हारे अंजाद से चावल कहाँ गिस? चावल अब बहुत आदमी तो बोलते हैं कि वो चावल रात में वो गाड़ी में बेच दिए कह करके बोलते हैं, है ना? तो ट्रांसफार्मर से डीओ काट करके फिर चावल अंधेला करके रात में वो गाड़ी पिकअप से ले गए चावल, ऐसे ही बोलते हैं सब, है ना? अच्छा, लगभग कितना बजे रात में? लगभग वही हिसाब से वो आदमी सब सूद गरी वही हिसाब से वो हेर के ले गई। लगभग कितना बजे रात? 6-7 सब सूद गए रही तबे ना ले गई, शाम के तो सब घूमत फिरत रहते हैं। 12 बजे? 12 बजे आसपास ले जी। तो संचालक ही सरपंच है गांव का, मुखिया वही है? वही तो बांटे लखे चाउर, है ना, दूसरा तो बांटे नहीं। क्या नाम है भैया? मनोज यादव। कौन सा ग्राम पंचायत? अस्करा। चावल मिल गए? नहीं मिली सर। कितना दिन से? कितना महीना से? अरे 2-3 महीना। 2-3 महीना? तो ये जाते 2-3 महीना नहीं मिले पैसे। तो कौन बांटे यहाँ को संचालक कौन है? सरपंच बांटे। क्या नाम है सरपंच का? नरेश। नरेश मिंज। तो चावल सोसाइटी में है कि का पता? ये नहीं तो चावल कहाँ करी सोई भैया? भैया का पता बेच भी दे सोई, नहीं तो रोती उसका नहीं थी। हाँ, पंचायत में चावल रहते तब तो वितरण करते से ना दे सकता है, लेकिन ये नहीं हुई था। इस मामले में फूड इंस्पेक्टर ने जल्द ही जांच कर कार्रवाई की बात कही, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब कोई घोटाला हो जाता है तभी क्या जिम्मेदारों की नजर पड़ती है?
अगर समय पर जिम्मेदार राशन दुकान की जानकारी लेते हुए अपना कर्तव्य निभाते तो इन भोले भाले गरीब ग्रामीणों के मुंह का निवाला नहीं छिनता। अब देखना यह है कि 4 महीनों से ग्रामीणों के पेट पर लात मार अपनी तिजोरी भरने वाले सरपंच पर क्या कार्रवाई होती है। सीतापुर से तौफिक अहमद खान की रिपोर्ट।